अगर कराची से शुरू कर लें पहले तो, वैसे मीर साहब बताएं ये कैसी रिवायत परवान चढ़ रही है कि जहां पे बिल्कुल वाजे है नंबर्स गेम तक नंबर गेम्स की हद तक कि भाई सबसे ज्यादा सीटें ठीक है पीपल्स पार्टी की हैं 155 है, लेकिन इतनी नहीं है 184 कि वो अपना मेयर ला सकें, तो दूसरे नंबर पे 130 वाली जमात इस्लामी है, 60 वाली पीटीआई यानी कि 190, लेकिन बड़ा ऑब्वियस है कि कल वो कुछ कर नहीं पाएंगे और वो पीटीआई के कुछ लोगों ने कहा कि यार हम तो दे रहे हैं वोट मुर्शिद साहब आप साहब को, और पीपल्स पार्टी बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही थी एक महीने से कि भाईजान यही होना है आप छोड़ना यार क्या हो गया बस ईजी है वो। बदामी साहब मेरा ख्याल है कि जो कराची के समुंदर में जो तूफान है ना, तो उसकी वजह से जो तेज हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से कुछ जो अदाद शुमार हैं वो बिखर गए हैं। अच्छा, तो वो ये तूफान का असर है इसकी और तो कोई इसमें नहीं। आप जो फिगर्स बोल रहे हैं वो तो ठीक है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो देखे ना सारे फिगर्स जो है वो इस तरह मोरे जो है वो ठक 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 उनको प्लेस किया गया था उनकी जगह पे, वो तेज हवा आई बहुत, और वो तेज हवा तो बड़ी देर से चल रही है, 9 मई से चल रही है, और ये बहुत ही मासूमाना बात होगी ना अगर मैं कहूँ, पहले आप बताइए मेरा हवा तेज पहले दी सी 9 मई ने ज्यादा तेज टक्कर मारी सही हाँ। तो ये बड़ी मासूमाना बात होगी अगर मैं कहूँ कि भाई आपने अगर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का ख्याल करना है तो जिसके नंबर ऑफिशियली ऑन पेपर ज्यादा बनते हैं उसको हक़े हुक्मरानी दे दे। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का पाकिस्तान से कुछ सुना सुना लफ्ज है कुछ छोटा सा, तो पाकिस्तान से आपको ताल्लुक रह गया? नहीं छोड़ो फिर आगे बढ़ो काशिफ साहब। तो मैं ये तो मीर साहब ये कह रहे हैं कि इधर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है तो मैं कैसे निकाल लूंगा भाई, नहीं है तो नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है। सो लेकिन अभी हम देख भी रहे नईम रहमान साहब होते हैं तो, लेकिन आपको क्या आपका भी ये ख्याल है कि मुर्शिद साहब आप सब बहुत आसानी से मामला कर लेंगे? जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और जो जो तूफान और आंधी आई हुई है उसमें तो निकल जाएंगे लगता है। वैसे इस पे आप कमेंट करें, हमारी ऑफ द रिकॉर्ड से बात हुई मेरे साहब आप भी बताएगा। मैंने काशी साहब वैसी बात करा तो मैंने कहा मेरी यह राय है जिसे उन्होंने इख्तलाफ किया कि जमात इस्लामी जब इकतदार के इतना करीब आ गई थी इतने सालों बाद, वो भी खास अवामिल की वजह से, एमक्यूएम आउट थी, एमक्यूएम अनपॉपुलर थी, पीटीआई का मामला ये था, पीटीआई की कोई तंजीमी सलाहियत नहीं थी, जब इतना करीब आ गई थी इकतदार की तो उनको डिप्टी मेयरशिप ही सही लेकिन इकतदार की राहदारी में आ जाना चाहिए था, वरना जमात इस्लामी का वोटर इतने अरसे बाद इस तरह मोबिलाइज हुआ है उसको अब फिर अगले 4 साल आपने सड़क पर ही गुजारने, फिर आपका वोटर डिमोरलाइज होगा कि यार हमारी पार्टी इकतदार में आ ही नहीं सकती। आप इकतदार में आते ये कहकर आते कि पीपल्स पार्टी से हमारा इख्तलाफ है, लेकिन आप 10 कामों के बजाय 2 काम करवा पाते, अगले इलेक्शन में सेल करते कि यार देखो हमने डिप्टी मेयरशिप की हैसियत में इतना किया है, अगले साल हमें ज्यादा मैंडेट दो तो हम ये कर सकें। अब फिर 4 साल रिवर्स गियर है। काशिद साहब ने डिसएग्री किया, आपकी भी क्या ओपिनियन है? मैं अपनी अपनी दलील बताइए। देखिए मसला यह है कि अगर वो डिप्टी मेयर बनते हैं तो ज़ाहिर है मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, जो अच्छे काम होंगे उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेगी, हम कर रहे हैं हमारा मेयर है, जो मलबा होगा अगर जो काम नहीं होंगे, जो कराची जैसे शहर को 4 साल में कुछ देना इन हालात में जो माशी माल बहुत मुश्किल है, उसका मलबा इनके सर गिरेगा कि डिप्टी मेयर तो आपका था। सो मुझे वो तो फिर ये ना कि आप किस तरह अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो फिर नईम रहमान साहब भी बता देना कि यार देखो हमने ये करवाया हमने ये करवाया अपने इलाके में ये काम करवाया। कुछ सिचुएशंस आप देखते हैं जिसमें विन विन आप कहते हैं कि दोनों जीत जाएंगे, इस केस में नुकसान ही नुकसान है, मुझे इनको कोई फायदा नजर नहीं। मुझे मैं कह रहा हूँ कि अब अगले साल पता नहीं अगले 4 साल बाद किन हालात में इलेक्शन हो, तब एमक्यूएम शायद तकड़ी हो, तब इतने वोट मिले ना मिले, सो बी इट। देखिए अगर आपने एक ओहदा लेकर जो नीचे जाना, अल्टीमेटली तो पावर पॉलिटिक्स नहीं है क्या? मतलब आप इख्तदार माने के लिए करते हैं ना, पावर का मतलब भी है ना, पावर किसको कहते हैं? आप चौधरी परवेज इलाही साहब बनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नाम तो आ गए वजीर आजम लिखा, पर इख्तियार क्या है? क्या लेकर घर जाएंगे, लोगों को क्या कहेंगे मैंने किया क्या है? सो मुझे लगता है कि 4 साल बाद जब लोगों के पास जाएंगे वो ये नहीं कह सकेंगे कि देखें जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था। आपकी क्या राय? नहीं जो कि वसीम अख्तर साहब को लोगों ने ये लेवरेज नहीं दी कि मेरे पास इख्तियार कोई नहीं था, 4 साल रेज मेयर और नहीं लेवरेज मिली उनको।